नमस्कार दोस्तों, चाणक्य नीति का एक और वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान सदैव नुकसानदायक होता है। दोस्तों, चाणक्य जी कहते हैं, उत्तम कर्म करते हुए एक पल का जीवन भी श्रेष्ठ है, परंतु दोनों लोकों लोक परलोक में दुष्कर्म करते हुए कल्प भर के जीवन हजारों वर्षों का जीना भी श्रेष्ठ नहीं है। बीते हुए कल का शोक नहीं करना चाहिए और भविष्य में जो कुछ होने वाला है उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। आए हुए समय को देखकर ही विद्वान लोग किसी कार्य में लगते हैं। दोस्तों, चाणक्य जी कहते हैं, उत्तम स्वभाव से ही देवी देवता, सज्जन और पिता संतुष्ट होते हैं। बंधु बांधव, खान पान से और श्रेष्ठ वार्तालाप से पंडित अर्थात विद्वान प्रसन्न होते हैं। मनुष्य को अपने मृदु स्वभाव को बनाए रखना चाहिए। दोस्तों, चाणक्य जी कहते हैं, जिसे किसी से लगाव है वह उतना ही भयभीत होता है। लगाव दुख का कारण है, दुखों की जड़ लगाव है। अतः लगाव को छोड़कर सुख से रहना सीखो। भविष्य में आने वाली संभावित विपत्ति और वर्तमान में उपस्थित विपत्ति पर जो तत्काल विचार करके उसका समाधान खोज लेते हैं, वे सदा सुखी रहते हैं। इसके अलावा जो ऐसा सोचते रहते हैं कि यह होगा, वैसा होगा तथा जो होगा देखा जाएगा और कुछ उपाय नहीं करते, वे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, जैसा राजा होता है उसकी प्रजा भी वैसी ही होती है। धर्मात्मा राजा के राज्य की प्रजा धर्मात्मा, पापी के राज्य की पापी और मध्यम वर्गीय राजा के राज्य की प्रजा मध्यम अर्थात राजा का अनुसरण करने वाली होती है। दोस्तों, चाणक्य जी कहते हैं, धर्म से विमुख व्यक्ति जीवन भी मृतक के समान है, परंतु धर्म का आचरण करने वाला व्यक्ति चिरंजीवी होता है। दोस्तों, धर्म धन काम मोक्ष, इसमें से जिसने एक को भी नहीं पाया उसका जीवन व्यर्थ है। नीच मनुष्य दूसरों की यशस्वी अग्नि की तेजी से जलते हैं और उस स्थान पर उस यश को पाने के स्थान पर ना पहुंचने के कारण उनकी निंदा करते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, मन को विषयहीन अर्थात माया मोह से मुक्त करके ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि मन में विषय वासनाओं के आवागमन के कारण ही मनुष्य माया मोह के जाल में आसक्त रहता है। अतः मोक्ष जीवन मरण से छुटकारा पाने के लिए मन का विकार रहित होना आवश्यक है। परम तत्व ज्ञान प्राप्त होने पर जब मनुष्य देह के अभिमान को छोड़ देता है अर्थात जब उसे आत्मा परमात्मा की नित्यता और शरीर की क्षण भंगुरता का ज्ञान हो जाता है, तो वह इस शरीर के मोह को छोड़ देता है। तत्पुरांत उसका मन जहां जहां भी जाता है वहां वहां उसे सिद्ध पुरुषों की समाधियों की अनुभूति होती है। दोस्तों, चाणक्य जी कहते हैं, मन की इच्छा के अनुसार सारे सुख किसको मिलते हैं? किसी को नहीं मिलते। इससे यह सिद्ध होता है कि दैव के ही बस में सब कुछ है। अतः संतोष का ही आश्रय लेना चाहिए। संतोष सबसे बड़ा धन है। सुख और दुख में उसे समरस रहना चाहिए। कहा भी है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। दोस्तों, चाणक्य जी कहते हैं, जैसे हजारों गायों के मध्य भी बछड़ा अपनी ही माँ के पास आता है, उसी प्रकार किए गए कर्म कर्ता के पीछे पीछे जाते हैं।